सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको टक्स लगाने में दिक्कत होती है, ज़्यादातर हमारे पास यही कॉमेंट आती हैं कि टक्स कैसे लगाएँ। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी कि कितना चेस्ट है और इस पर कैसे टक्स का निशान लगाएं। अब देखिए, जैसे हमारी चेस्ट है 30, तो हमने यहाँ पे ये 30 इंच का ये हमारा निशान हो गया 7.5 इंच, तो ये हमारा फिटिंग का निशान है। और 1 इंच हमने अलग से लिया है, तो ये हमारी 30 चेस्ट का इस तरीके से निशान लगा ले रहे हैं। ये हमारा 30 चेस्ट का कटिंग है। अब हम इस पे निशान कैसे लगाएंगे, तो हमें ऊपर से तो लेना है 9 इंच, ऊपर से लेंगे हम 9 इंच शोल्डर से। अब यहाँ पे हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको नापेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा जो बचा है वो 7 इंच है, 7 इंच है, तो 7 इंच के हम आधे करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा आधा करने के बाद भी हम थोड़ा सा छोड़ देंगे इधर की साइड, कहीं 1 इंच की जगह हमारा यहाँ पे 1.5 इंच भी सिलाई लग सकती है। तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच नहीं लगाना है निशान, 3.25 इंच ही रखेंगे। तो ये हमारा नीचे का टक्स का जो निशान है वो यही निशान है, यही तरीका है कि पहले हमें 1 इंच यहाँ से छोड़ना है, उसके बाद हम यहाँ से इसको बराबर करके नाप लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 7 इंच हो रहा है, तो 3.5 इंच होता है, आधा करेंगे, मगर हम 3.5 इंच पर नहीं लगाएंगे, आधा इंच छोड़ के लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 3.25 इंच कर लेंगे। 3.25 इंच से क्या है कि अगर हमारी यहाँ पर थोड़ी सिलाई और लग जाएगी तो भी हमारा ये टक्स आगे की साइड ही रहेगा, इधर बगली की साइड नहीं आ जाएगा। तो ये हमारा 30 इंच का हिसाब हो गया। अब हम जैसे 32 इंच रखेंगे, तो 32 इंच के लिए हमें यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाना है फिटिंग का, उसके बाद 1 इंच हमने यहाँ पे रखा। अब हमें 9 इंच यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। 30 और 32 इंच के लिए हमें 9 इंच पे निशान लगाना है, तो 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए। अब यहाँ से इसको नापेंगे, तो यहाँ पे 8 इंच हो रहा है, तो 8 इंच के आधे 4 इंच हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा ही फ़र्क रहता है हमें निशान लगाने में, थोड़ा ही फ़र्क से हमारा सही भी निशान लग जाता है और गलत भी लग जाता है। तो हमेशा हमें यही देखना है कि हमारा जो आगे का जो पल्लर है उसको हमें थोड़ा सा पीछे की साइड ही छोड़ के लगाना है। अगर हमें 4 इंच पे लगाना है यहाँ पे निशान, 8 इंच हो रहा है हमारा यहाँ से, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे लगाएंगे। तो एक आध पॉइंट छोड़ के हम थोड़ा सा पूरा सही या थोड़ा सा छोड़ देंगे, मगर 4 इंच से हमें ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये 32 चेस्ट का हिसाब हो गया। अब जैसे हमारा 36 चेस्ट है, तो हमारा यहाँ पे 9 इंच हो रहा है, 9 इंच होने के बाद 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से लेंगे, तो 9 इंच के आधे करेंगे हम, तो हमारा 4.5 इंच हो रहा है यहाँ पे। तो 4.5 इंच की जगह हम यहाँ पे 4.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। थोड़ा सा हमें यही ध्यान रखना है कि हमें इधर की साइड कपड़ा ज़्यादा रखना है, यहाँ पे कम रखना है। एक आध पॉइंट में हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, जैसे हमें 9 इंच के आधे 4.5 इंच हो रहे हैं, तो हम 4.25 इंच रखेंगे यहाँ पे, और ऊपर से निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 9.5 इंच रखेंगे। 36 चेस्ट के लिए हमें 9.5 इंच रखना है लंबाई से, यहाँ से लंबाई पे 9.5 इंच। 38 चेस्ट है तो भी 9.5 इंच। 40 चेस्ट है फिर भी हमें 9.5 इंच ही रखना है, और 32 चेस्ट है तो 9 इंच, 30 चेस्ट है तो 9 इंच पे निशान लगाना है। तो यही है बस
निशान लगाने का तरीका। तो हमने यहाँ पे हम ये बना रहे हैं ब्लाउज, वो 36 चेस्ट का है, तो हमारा ये हो गया यहाँ पे 9 इंच के आधे 4.5 इंच हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 4.25 इंच हमारा ये हो गया नीचे की प्लेट का। अब यहाँ पे आरूमल 6 इंच पे आरूमल, ये हो गया। अब ये बगली की प्लेट, बगली की प्लेट हम यहाँ पे 3 इंच ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 2 इंच पे भी ले सकते हैं, मैं आपको गुमराह नहीं करूँगी कि आप नहीं नहीं 3 इंच पे ही निशान लगाएं, 2 इंच पे ही लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये हमारी जो प्लेट है तो इसी के बराबर हमें शेप में लगाना है, 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, कैसे भी आप निशान लगा सकते हैं। अब ये हमारा जो निशान है इसी से हमें थोड़ा सा नीचे रखना है, इसको जो हमारी गले की प्लेट है इस निशान से हमें ऊपर नहीं करना है, नीचे ही रखेंगे, इसी के बराबर भी रख सकते हैं, ये प्लेट के बराबर भी जो हमारा ये निशान है 9 इंच का या 9.5 इंच का, तो हमें इससे थोड़ा सा नीचे ही रखना है, ये निशान से ऊपर नहीं करना है। अब निशान लगाने के बाद हम थोड़ा सा कैंची का निशान लगा लेंगे, और जितने आप निशान लगाएंगे, जितने आप ब्लाउज सिलेंगे, उससे आपको नॉलेज बढ़ेगी और आप जल्दी सीखेंगे। अगर आप 1-2 ब्लाउज बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, जैसे आप 4 या 5 ब्लाउज बना लेंगे अलग अलग नाप के, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कहाँ निशान लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। अभी हमारे निशान लग गए, अब जो साड़ी का कपड़ा है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी जो गले की प्लेट है इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1/2 इंच की, यहाँ से हम 1/2 इंच लेंगे और इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ से 1 इंच नीचे की प्लेट हम 1 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारना है। अब यहाँ से 1/2 इंच की चौड़ाई, 1/2 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसको कम करते हुए उतारेंगे। और इसको भी 1/2 इंच की चौड़ाई ले लेंगे यहाँ से और कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए ये आरूमल की प्लेट है तो इसकी लंबाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, इसकी लंबाई हम 3 इंच की रखेंगे। आरूमल की प्लेट हमेशा हमें 3 इंच की लंबाई रखनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है लंबाई। अगर हम इसको लंबाई में यहाँ तक कर देंगे तो हमारा सीना थोड़ा सा दब जाएगा, हमें यहाँ पे 3.5 इंच ही रखना है। अब ये हमारे प्लेटें डल गई, 4 और टक्स डल गए। अब हमें तीरा लगाना है। अब देखिए ये हमारे तीरे की जो यहाँ से कटिंग हुई है, तो अब हमें जैसे तीरा छोटा लगाना है तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे हम, यहाँ से अगर हम छोटा लगाना चाहें तो इसी तरीके से हम छोटा लगा सकते हैं, ऊपर से कटिंग करके 3 इंच के। अगर हम 4 इंच का लगाना चाहें तो 4 इंच का भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा 3.5 इंच का है। अभी हमारा सीधा है, थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई लगाना है। अब ये तीरा है, तीरे के ऊपर हम ये दूसरा तीरा रखेंगे। सिलाई लगाते समय हमें प्लेट का ध्यान रखना है, ये प्लेट हम ऊपर के साइड रखेंगे। अब यहाँ से बराबर कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे टक्स बिल्कुल बराबर हैं और ये प्लेट हमारी ऊपर की साइड ही रहनी चाहिए, थोड़ा सा ही दबाएंगे हम। अभी हमारे 4 प्लेटें बराबर हैं और इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेटें डाल लेंगे
और ऐसे ही निशान लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ए प्लेट हमारी मेन है, अगर ए प्लेट हमारी यहाँ पे डल जाएगी तो ये सिलाई करने के बाद ये थोड़ा इधर ही जाएगी तो फिटिंग नहीं आएगी। हमें ए प्लेट ध्यान से देखना है, इसको हमें ध्यान से लगाना है। और यहाँ से भी हमें 32 और 30 चेस्ट के लिए 9 इंच पे निशान लगाना है, 36, 38 और 40 चेस्ट के लिए 9.5 इंच पे। बस हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है, 32 चेस्ट के लिए और 30 चेस्ट के लिए 9 इंच रखेंगे यहाँ से लंबाई। अगर 36 चेस्ट है तो 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसी निशान के बराबर हमें ए प्लेट का निशान लगाना है। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए कपड़े को छोड़ के और इसको यहाँ से इंची टेप से नाप लेंगे। यहाँ से हमें नापना है तो हमारा ये यहाँ पे 8 इंच हो रहा है, तो 8 इंच के आधे कर लेंगे तो 4 इंच होता है। 4 इंच से हम इसको 4.25 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमारी प्लेट इधर की साइड नहीं जानी चाहिए, जहाँ तक रहे तहाँ तक हमारी प्लेट का इधर की साइड ही होनी चाहिए। तो हमारा 4.25 इंच पे निशान बराबर रहेगा, थोड़ा सा हमें एक आध पौंड छोड़ के ही निशान लगाना है बस, और कुछ खास नहीं है इसमें कि आप निशान कैसे लगाएं। बस 1 इंच यहाँ पर कपड़े को छोड़ के इंची टेप से हम यहाँ से नाप लेंगे, 8 इंच हो रहा है या 7 इंच हो रहा है या 6 इंच हो रहा है उसके आधे कर देंगे। आधे करने के बाद उसमें से भी थोड़ा सा हम इधर की साइड ही कपड़े को छोड़ के यहाँ पर निशान लगा लेंगे, हमारी प्लेटें बराबर आएंगी। ये दो प्लेट हमारी बराबर आ गई और इनको हमें इसी के बराबर निशान लगाना है। आरोमल की प्लेट हम 3 इंच की रखेंगे, 2.5 इंच की रखेंगे, 3.5 इंच की भी रख सकते हैं, मगर 3.5 इंच की ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, 2.5 इंच की ही अच्छी रहेगी। 2.5 इंच या 3 इंच की ही प्लेट हमारी आरोमल की सही रहेगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड डालेंगे। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें, या आप हमसे कुछ और सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।